हाय गाइस, वेलकम टू आवर इन्वेस्टर्स प्लेनेट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अडानी ग्रीन के बारे में मैंने सब कुछ बताया था। बहुत प्रॉफिट लोगों ने कमाया इस कंपनी से। स्टॉक एक साल से भी कम समय में 200 से 1200 तक गया है। तो आज उसकी शेयर प्राइस आप चेक कर सकते हो, 1200 के आगे जा चुकी है। और मैंने ये भी बताया था फ्यूचर का मल्टीवैगर टाटा मोटर्स अब बहुत फोकस में आ रही है कंपनी स्टॉक्स में, क्योंकि वॉल्यूम इसका दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम हमें बढ़ रहा है। और इस टाइम में 17 नवंबर से 20 नवंबर इस 3-4 दिनों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग टाटा मोटर्स में हुई है। तो और ग्रोथ हो सकती है और डेफिनेटली होगी। मैंने इसको आपको लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर का कहता हूँ। और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इस वीडियो में आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस उसका बताऊंगा, उसकी एक साल की ग्रोथ। और ये टाटा मोटर्स की खासियत ये है कि इतने उच्च नीचे जा चुकी थी टाटा मोटर्स का स्टॉक, मतलब 62 रुपीस तक जा चुका था। आपको मैं खुद दिखाऊंगा आपको, पिछले साल दिसंबर में उसकी प्राइस शायद 60 के आसपास थी, 70-80 रुपीस के आसपास थी। उसके बाद वापस ग्रोथ हुई थी, 170 तक जा चुका था। पर मार्च के बाद जो क्राइसिस आया उसके बाद पूरा क्रैश हो गया। अप्रैल में आपको मैं बता रहा हूँ, अप्रैल के स्टार्टिंग में उसकी शेयर प्राइस, सॉरी मैंने पहले बताया, दिसंबर में शायद 130 के आसपास होगी। जो पिछले हफ्ते हमारी पिछले दो हफ्ते पहले टाटा मोटर्स की जो प्राइस थी उसके आसपास ही प्राइस थी। अप्रैल में जो क्राइसिस आया था मार्च का, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ और उस टाइम टाटा मोटर्स की प्राइस 70-60 के बीच थी। फिर धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, उसमें भी बहुत सारे उछाल चढ़ाव सब कुछ आया। आज उसकी प्राइस दिवाली के बाद बहुत झटका लगा, टाटा मोटर्स 150 पहली बार क्रॉस किया, मतलब अप्रैल टू नवंबर के इस टाइम में लॉकडाउन के। तो आपको मैं आप देख सकते हैं एक महीने का टेक्निकल एनालिसिस है यहाँ पे। अक्टूबर 22 में उसकी शेयर प्राइस क्लोजिंग प्राइस 133 थी, और उस टाइम वॉल्यूम भी बहुत कम था। और आज देखो 18 नवंबर में सबसे वॉल्यूम इस पीरियड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है टाटा मोटर्स का। इसलिए और आपको मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि डोजी पैटर्न क्या होता है, हैमर वगैरह, मतलब बेसिक चीज़ें मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न के, जो हम उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर कैसा हो सकता है इस स्टॉक का। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो डोजी पैटर्न है 20 नवंबर का, वहाँ पे ओपनिंग प्राइस 173 और क्लोजिंग प्राइस 169, मतलब इसे डोजी पैटर्न ही कहते हैं। डोजी पैटर्न अगर आपको नहीं पता है तो उसकी वीडियो की लिंक मैंने नीचे दे रखी, वो पहले देखो उसके बाद ये देखो, क्योंकि उसी से ही लिंक ये वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने कहा था डोजी पैटर्न जब आता है तब हमें डिफरेंस जो पैटर्न है उसमें डिफरेंस आता है, जो ट्रैक होता है वो बदलता है जब डोजी पैटर्न आता है तब। तो टाटा मोटर्स में शायद बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मैं खुद कह रहा हूँ कि अभी भी चांस है। उसने 170 क्रॉस किया है एक बार, 200, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस दो महीने के अंदर ये स्टॉक 200 क्रॉस ज़रूर करेगा। और अभी भी आपको चांस है, ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करो। तो आप हम एक साल का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और उसकी सेल्स भी देखेंगे कि पिछले साल टाटा मोटर्स की जो कार से उसमें कितनी सेल्स हुई थी, कितनी नहीं। और मैं हमेशा प्रमोट, हमें जो भी हम स्टॉक बाय करते हैं तो हमें हमेशा मकसद एक ही होना चाहिए कि हम अपने जो स्टॉक है उसका होल्डर नहीं, बल्कि हमें प्रोमोटर बनना है स्टॉक का। ये मेरी शब्द नहीं है, पर ग्रेट इन्वेस्टर्स विजय केडिया के हैं,
तो आपको पता होगा विजय केडिया बहुत बड़े इन्वेस्टर है। और आपको बता दूं कि एक हमारे इंडिया के बिग बुल राकेश झुंझुनवाले ने भी 1.2% स्टेक टाटा मोटर्स में बाय किया है। तो आप समझ सकते हो कि टाटा मोटर्स विल बी द फ्यूचर। तो अडानी ग्रीन के बाद यही एक मल्टी बैगर में समझता होगा। और ये टाटा मोटर्स ना लॉन्ग टर्म के लिए बने, आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं इस कंपनी के साथ। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो बजाज फाइनेंस वगैरह, रिलायंस, इसी कंपनीज में, HDFC बैंक, स्पेशली निफ्टी बैंक में आपको कहूँगा, जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, अच्छा खासा कमा सकते हो। पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग की जब बात आती है तब आपको कम से कम 2 साल तो उसे होल्ड करके रखना होगा। तो टाटा मोटर्स में कम से कम आपको कह रहा हो कि 6 मंथ तो इन्वेस्ट करके रखो, होल्ड करके रखो। आप देख सकते हो मार्च में जो क्राइसिस आया था उसमें कितना बड़ा क्रैश हुआ था। टाटा मोटर्स तो बहुत, मतलब मैं समझता हूँ कि टॉप 5 जो स्टॉक्स है उस सबसे ज़्यादा जो क्रैश हुए थे उसमें से टाटा मोटर्स भी था। बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था इन ये 3 साल टाटा मोटर्स के लिए सबसे ख़राब थे, बाकी ऑटोमोबाइल से भी सबसे बदतर हालत हो चुकी थी। पर अब 77 प्राइस थी अब मार्च के क्राइसिस के बाद, उसके बाद वापस 60 या 70 के बीच में रही है प्राइस। फिर वापस मई में उसकी प्राइस 84 तक गई, फिर थोड़ा उछाल आया 105 तक, फिर अगस्त में उसके आसपास ही मतलब भटकता रहा है स्टॉक। ज़्यादा आगे तक मतलब लोगों को लगा ये टाटा मोटर्स कुछ नहीं करेगा अब, क्योंकि कंपनी पूरे लॉस में है, इसलिए ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करे थे। मैंने इस स्टॉक को 130 में बाय किया था, शायद मैंने सितंबर में ही किया था। इसी पीरियड में मैंने स्टॉक बाय किया था, आप देख सकते हो ये पीरियड। इस पीरियड में और मुझे, मैंने, आप देख सकते हो मैं 3 महीने से होल्ड करके रखा है मैंने। मुझे बहुत होप्स थे टाटा मोटर्स पे, अभी भी है, कि होप्स नहीं गारंटी है कि टाटा मोटर्स फ्यूचर का मल्टीबैगर होगा। ये देख सकते हो टाटा मोटर्स का सेल्स एनालिसिस, हम क्वार्टरली बेसिस करेंगे, मंथली एनालिसिस। सितंबर में जो नेक्सॉन कंपनी का, टाटा मोटर्स की जो एक प्रोडक्ट है कार है, उसकी भी ग्रोथ हो चुकी है, उसकी ग्रोथ 15% हो चुकी है। उसमें सितंबर 2020 में 6007 सेल्स हुई थी और एक महीने में 6888 मतलब इंक्रीज हुआ नंबर, देखो आप 15% से इंक्रीज हुआ। फिर अल्ट्रूस, वो भी एक कार है, उसकी 13% से ग्रोथ हुई है। कुछ कार्स है जो कि अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, पर हैरियर और नेक्सॉन जो कि टाटा मोटर्स की सबसे फेमस कार्स हुई है जब वो नई कार आई थी, तो और मुझे भी बहुत पसंद है हैरियर, टाटा हैरियर और नेक्सॉन बहुत अच्छी कार है, अगर मतलब SUV एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। हैरियर की सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है सेल्स 37%, और ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो 79% मतलब 80% लगभग हमारी इंक्रीज हुई है सेल्स में टाटा मोटर्स की। 13,169 से डायरेक्टली 23,000 तक जा चुकी है, 23,600 आप देख सकते हो। और टाटा मोटर्स ने अभी भी बहुत सारी व्हीकल्स लॉन्च की है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने वाला है टाटा मोटर्स, उसकी भी एक कुछ वीडियोस यूट्यूब पे वायरल हुई थी, टाटा की एक नई SUV आई है इलेक्ट्रिक, तो वो भी बहुत फेमस होने वाली है शायद। और मैं आपको गारंटीड कहता हूँ कि टाटा मोटर्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ टाटा मोटर्स इस 2 सालों में, 2022 तक 500
क्रॉस करेगा 400 से तो आराम से क्रॉस करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ 400 से ज़्यादा 400 क्रॉस करेगा ही करेगा इन 2 सालों में। तो आप सोच सकते हो अगर आपने आज ही टाइम में उसे अगर बाय किया तो कितना ज़्यादा आप कमाओगे इन 2 सालों में, और ग्रोथ 100% होगी। क्योंकि जो CEO है टाटा मोटर्स के, उन्होंने भी कहा है कि टाटा मोटर्स का जो डेट है वो भी इन कम इस टाइम में, इस पीरियड में, इस 1-2 सालों में पूरा डेट क्लियर करने वाले। तो कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल होने वाली है धीरे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ आपका टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू।